नमस्कार, वेब दुनिया खेल समाचारों में आपका स्वागत है। भारत के लिए चुनौती बनेगा दक्षिण अफ्रीका। पाकिस्तान को तो भारत ने मात दे दी, लेकिन अगली चुनौती उससे कहीं ज्यादा बड़ी और मुश्किल है। सामने है स्टेनगन यानी डेल स्टेन, जिन्होंने भारत के खिलाफ हमेशा शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप के इतिहास में पिछले 3 मुकाबले दक्षिण अफ्रीकी टीम ने जीते हैं। इस बार भी उनका पल्ला भारी है। कागजों पर मजबूत दिखने वाली भारतीय बल्लेबाजी का प्रदर्शन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बेहद साधारण रहा है। ऐसे में डेल स्टेन के नेतृत्व वाली टेस्ट बैटरी से निपटना भारतीय बल्लेबाजों के लिए बेहद मुश्किल इम्तिहान होगा। रविवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होने वाले मैच में अगर भारतीय टीम इस इम्तिहान को पास कर लेती है तो खिताब अपने पास रखने का सपना फिर बहुत दूर नहीं दिखेगा। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कहा जा रहा था कि दक्षिण अफ्रीका ही एक ऐसी साइड है जो पूरी तरह से संपूर्ण दिखती है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया की स्पिन बॉलिंग में भी थोड़ी कमी दिखती है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के पास बॉलिंग और बैटिंग का एक अच्छा संतुलन है। यही वजह है कि वो अपने ऊपर लगे चोकर के तमगे को हटाकर विश्व कप जीत सकते हैं। पर जिम्बाब्वे ने उनकी कुछ कमियां सबके सामने ला दी और सभी अब उनकी टीम के बारे में ही बात कर रहे हैं। उन्होंने शुरू में ही जल्दी विकेट खो दिए, जिससे यह पता चला कि अगर आप उन्हें रन बनाने से रोकते हैं तो आप उनके विकेट ले सकते हैं। साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे के खिलाफ तो इस सबसे उबर गया, पर उसे भारत के खिलाफ ऐसा करना कठिन पड़ेगा। जब हम भारत की बॉलिंग की बात करते हैं तो अमूमन स्पिनर्स का नाम ज्यादा लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ 20 के ओवर्स में उमेश यादव ने जैसा प्रदर्शन किया उससे भारत पाकिस्तान पर जीत हासिल कर पाया। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय बॉलर्स ने 20 के ओवर्स में भी कोई गलती नहीं की। यह शायद इसलिए भी हुआ होगा क्योंकि वो पाकिस्तान से खेल रहे थे, पर यह देखना सुखद होगा कि वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी ऐसा ही प्रदर्शन दिखाते हैं। ये थे आज के क्रिकेट समाचार। क्रिकेट से संबंधित और खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।